जय हिंद दोस्तों, मैं MZ खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पाश्चात्य कलाकार को लेकर आया हूं और उस कलाकार का नाम है एडवर्ड माने। एडवर्ड माने पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही विवादास्पद चित्रकार रहे हैं, इनके चित्र बड़े विवादास्पद रहे हैं और इनके चित्र कभी स्वीकृत होते थे राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, कभी स्वीकृत नहीं होते थे। तो आइए हम बात करते हैं, एक है मोने और एक है माने। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडवर्ड माने। माने की अगर बात करते हैं तो माने जो थे, ये माने की बात करते हैं तो माने सबसे पहले कहेंगे कि माने एक अस्वीकृत, क्या कहेंगे इनको, माने एक अस्वीकृत कलाकार थे। इनको अस्वीकृत, ध्यान दीजिएगा, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं अस्वीकृत कलाकार थे। दूसरे क्या कहेंगे, माने प्रारंभ में यथार्थवादी कलाकार, प्रारंभ में यथार्थवादी कलाकार और अंत में प्रभाववादी कलाकार थे। यानी इन्होंने शुरुआत में यथार्थवाद पर चित्र बनाया है और अंत में इन्होंने प्रभाववाद का चित्र बनाया था, इसलिए इनको हम प्रभाववादी कलाकार कहते हैं। लेकिन अगर प्रभाववादी कलाकार कह दें और इनको यथार्थवादी कलाकार कह दें और अस्वीकृत कलाकार कह दें, तो दोस्तों सबसे पहले अस्वीकृत कलाकार पर आपको टिक लगाना है। अस्वीकृत कलाकार सबसे पहले माने आते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं माने के बारे में कि माने यथार्थवाद, मैं कह सकता हूं माने यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी है। माने जो है क्या है, वो यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी है, या ये कह सकते हैं यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी माने जाते हैं वो माने हैं। यहां पर ध्यान देना है, माने यथार्थवाद प्रभाववाद के बीच की कड़ी है। इन्होंने अपने जीवन में जो ज्यादातर चित्र बनाए हैं वो ज्यादातर इन्होंने ग्रामीण जीवन पर ही चित्र बनाया, यानी दैनिक जीवन पर ही चित्र बनाया है। तो माने ने अधिकतर कैसे चित्र बनाए हैं, दैनिक जीवन पर ही चित्र बनाए हैं, ठीक है, दैनिक जीवन पर चित्र बनाए हैं। आइए इनको आगे देखते हैं हम लोग। माने अस्वीकृत कलाकार, माने यथार्थवादी कलाकार, माने प्रभाववादी कलाकार, माने ने दैनिक जीवन पर चित्र बनाया है। तो इस महान कलाकार का जन्म 1832 में पेरिस में एक सघन परिवार में हुआ था, यानी समृद्ध एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो न्यायाधीश थे। इनके पिता भी चाहते थे कि मेरा पुत्र कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन इनको बचपन से ही चित्रकारी में लगाव होने के कारण ये अधिकतर ये चित्र ही बनाया करते थे, अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास किया करते थे। तो कुछ बड़े हुए तो इनके पिता ने कहा कि तुम एक अधिकारी के लिए तैयारी करो। तो इन्होंने कहा कि यदि हम पे प्रेशर बनाया तो हम जो है कहीं बाहर भाग जाएंगे, अर्थात हम कहीं निकल जाएंगे, यानी हम सागर भ्रमण पे चले जाएंगे समुद्री जहाज वाले के साथ। तो इनके पिता ने समझा कि शायद ये जो है
ये घूमना चाहता है, इसीलिए उनके पिता ने कह दिया कि तुम जाओ सागर ब्राह्मण। इन्होंने पानी वाले जहाज से इनको भेज दिया और कुछ महीने तक की घूम घाम करके आए। तो जाते समय इन्होंने क्या देखा, जाते समय इन्होंने देखा था कि जो छोटे छोटे पेड़ थे वो कुछ बड़े हो गए थे और थोड़े से सुंदर हो गए थे, वो कलर बदल चुके थे। तो वो जिज्ञासा वो पेड़ों को देखकर उनके दिल में और भी जिज्ञासा आ गई कि अब वो केवल चित्कारी ही करेंगे। और इस तरह जब वापस आए तो इनके पिता ने उनकी इच्छा पूछी, तो इन्होंने फिर वही बात कही कि मुझे चित्कारी सीखना है। तो इनके पिता ने इनको कार्त्यूर की चित्रशाला में, जो फ्रांस पेरिस में ही थी, कार्त्यूर की चित्रशाला में इनका दाखिला करा दिया। किसकी चित्रशाला में? कार्त्यूर की चित्रशाला में इनका दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया। और कात्यूर की चित्रशाला में यहाँ पर केवल यथार्थवादी चित्र बनते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनने लगे, लेकिन जो ये थे माने थे केवल यथार्थवादी ही चित्र बनाते थे, अधिकतर यथार्थवादी चित्र बनाते थे। तो एक दिन कात्यूर ने कहा माने से कि लगता है कि तुम अपने समय के केवल दोमी ही बन पाओगे। और दोमी कौन थे? दोमी यथार्थवादी थे, दोमी जो थे यथार्थवाद के एक तरह से जो है इसके जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये को कात्यूर कहते हैं दोमी इनसे माने से कहते हैं कि तुम अपने समय के दोमी ही बन पाओगे। तो इस तरह से लोग जो है वहाँ के जो शिष्य थे इनके और इनके जो मित्र थे वो भी इनका मजाक उड़ाते थे। इसी तरह से एक कात्यूर के शिष्य ने एक चित्र बनाया था, उस चित्र में दिखाया था कि एक गंवार पोशाक वाला ग्रीक मूर्ति के शीर्ष पर बैठा हुआ सुअर का व्यक्ति चित्र बना रहा है, सुअर का एक चित्र बना रहा है, इसमें सुअर का सिर दिखाया गया है। ये किस पर कमेंट था, ये किस पर व्यंग था? ये मानव पर व्यंग किया गया था। मानव को बहुत दुख हुआ और मानव ने कात्यूर की चित्रशाला को छोड़ दिया और छोड़ करके इंग्लैंड चले गए। छोड़ने के बाद जब ये इंग्लैंड गए, ध्यान देना, जब ये इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में इधर उधर रहे, वहाँ पे बहुत सारे चित्रकारों के चित्रों को देखा। और वहीं पर एक इंग्लैंड के चित्रकार थे जिनका नाम था फ्रांस हाल्स, याद कर लीजिएगा। एक चित्रकार का नाम था, उस चित्रकार का नाम था फ्रांस हाल्स, सही है। इंग्लैंड के चित्रकार फ्रांस हाल्स से प्रभावित थे, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित जिस चित्रकार से थे वो इटली के चित्रकार जिनका नाम था विलास्कस। क्या नाम था? विलास्कस। सबसे अधिक ये विलास्कस से प्रभावित थे। ध्यान रखना, ये किससे प्रभावित सबसे अधिक थे? तो कहोगे इटली के चित्रकार विलास्कस प्रभावित थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये फ्रांस हाल से भी प्रभावित थे जो इंग्लैंड के चित्रकार थे। इन्होंने अपने जीवन का जो सबसे पहला प्रसिद्ध चित्र बनाया उस चित्र का नाम था मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने 1869 में चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था एम्बिशत। का मतलब होता है एम्बिशत, का ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द जो है इन शराब पीने वाला, यानी शराब पीने वाला। अब शराब पीने वाला क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे हम शराबी। तो ये इन्होंने चित्र कहले शराबी बनाया, या कहले इनको एम्बिशत बनाया, या कहले कि शराब पीने वाला। ये तीनों एक ही चित्र के नाम है, एक अंग्रेजी में है, एक शब्द को समझना है। तो शराबी या एम्बिशत, तो ये जरूर याद रखिएगा, एम्बिशत अंग्रेजी में अक्सर पूछते हैं। तो ये चित्र किसका है? तो आप कह सकते हो कि माने ने सबसे पहला चित्र बनाया था एम्बिशत, अर्थात शराबी, अर्थात शराब पीने वाला। ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इनका चित्र जो है वो स्वीकृत
नहीं हुआ था। ध्यान रखना ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में फ्रांस की, ध्यान रखना फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं हुआ, यानी अस्वीकृत हो गया। ठीक है, ये चीज इनका राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इनका स्वीकृत नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब का है, 1859 का। इसके बाद ये फ्रांस में इधर उधर जाते टहलते थे, घूमते भी रहते थे, तो इन्होंने 1862 में स्पेनिश ध्यान दीजिएगा, स्पेनिश कलाकार कलाकारी कर रहे थे, मतलब कलाकृति बना रहे थे, वो सारी दिखा रहे थे। तो इन्होंने 1862 में इन्होंने स्पेनिश कलाकारों पर इन्होंने चित्र बनाए। जैसे इन्होंने बनाया स्पेनिश गिटार वादक, कौन सा चित्र बनाया इन्होंने, स्पेनिश गिटार वादक। ठीक है, गिटार वादक एक चित्र ये बनाया। इसी तरह से इन्होंने एक और चित्र बनाया 1872 में, और वो था लोला नामक नर्तकी का व्यक्ति चित्र। कौन सा है, लोला नामक नर्तकी का चित्र, वो है लोला नामक नर्तकी का व्यक्ति चित्र, लोला नामक नर्तकी का व्यक्ति चित्र। इसी तरह से इन्होंने एक और बनाया, उस चित्र का नाम था माता पिता का व्यक्ति चित्र। ये तीन तरह के इन्होंने चित्र बनाए, 18 स्पेनिश पर आधारित थे, और ये सभी चित्र जो 1862 में इन्होंने बनाए थे, ये सभी चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हो गए थे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इसलिए स्वीकृत हो गए थे क्योंकि स्पेन के लोग जो हैं वो जो स्पेनिश कलाकार जो अपना कार दिखाते थे, वो अपनी कला दिखाते थे, वो लोग पसंद करते थे, इसीलिए राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ये चित्र स्वीकृत कर दिए गए। ध्यान रखना राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चित्र स्वीकृत, और ये जो चित्र बनाए गए थे तैल चित्र में और रेखा चित्र में, ये जो चित्र थे ये सारे चित्र जो है अधिकतर तैल चित्र में या रेखा चित्र में बनाए गए थे। तो इस तरह से देखा ये गया कि जो स्पेनिश कलाकार एडुआर माने ने स्पेनिश कलाकारों पर ये चित्र बना करके जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भेजा, और ये चित्र इनके स्वीकृत हो गए थे। इसके बाद इन्होंने 1800 मैंने बताया 62 में, फिर इनका 1863 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया। ध्यान रखना 1863 में इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया, और उस चित्र का नाम था तृण पर भोजन। क्या नाम था, तृण पर भोजन। ये चित्र इन्होंने बनाया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द लंचियन ग्रास, तृण पर भोजन। इसी को ये इनका जो चित्र बनाया गया था ये एक तरह से विवादास्पद था, सरकार ने इसे स्वीकृत नहीं किया था, यह राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, इस चित्र में यह दिखाया गया था कि एक विवस्त्र स्त्री दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ खड़ी हुई दिखाया गया है। एक विवस्त्र स्त्री और दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ दिखाया गया था, यह चित्र स्वीकृत नहीं हुआ। जबकि एक ऐसा चित्र बहुत साल पहले स्वीकृत हुआ था, और वो चित्र था जियोर्जियोन का चित्र चारागाह का समूह। यानी इस चित्र की जो तुलना है, किससे की गई है, वो जियोर्जियोन किसका है, जियोर्जियोन का चित्र, और उस चित्र का नाम है चारागाह का समूह। क्या है चित्र का नाम, चारागाह का समूह।
इसमें भी लगभग वही चीज दिखाई गई थी कि एक वस्त्रधारी पुरुष के साथ एक विवस्त्र स्त्री एक वस्त्रधारी पुरुषों के साथ अंकित की गई थी। तो ये भी चित्र लगभग एक ही तरह का था, लेकिन ये चित्र स्वीकृत हुआ था, बहुत साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन ये चित्र इनका स्वीकृत नहीं किया गया, जिसका नाम था तृण पर भोजन। ये चित्र किसको देख करके बनाया था इन्होंने? तृण पर भोजन वाला चित्र जो बनाया था माने ने, वो बनाया था राफेल के चित्र पेरिस का निर्णय। कौन सा चित्र देख के बनाया था? राफेल का चित्र, ध्यान देना। ये चित्र किसको देखकर बनाया था? तो ये किससे प्रेरित था? ये प्रेरित था जिससे, वो चित्र का नाम था राफेल का चित्र, और उस चित्र का नाम था पेरिस का निर्णय। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा तृण पर भोजन क्या है, इसको द लंचन ग्रास कहते हैं। ये चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं हुआ। इसकी तुलना किससे की गई थी? तो आप कहोगे जीवर जीवन के चित्र चारागाह के समूह से। इससे किससे चित्र प्रेरित था, किससे देखकर बनाया था? पेरिस का निर्णय जो किसका था? राफेल का चित्र था, यह स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष बाद इन्होंने इससे भी ज्यादा विवादास्पद चित्र बनाया, ध्यान देना। 2 वर्ष बाद 1865 में इससे भी ज्यादा विवादास्पद चित्र बनाया, और उस विवादास्पद चित्र का नाम है ओलंपिया, जो इनके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। माने की पहचान यहीं से होती है, कायदे से देखा जाए ओलंपिया चित्र जो सबसे इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ये चित्र, पहले तो ये जान लें कि ये चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए, पहली बात तो ये चित्र बड़ा विवादास्पद था, इतना विवादास्पद था कि कला मंत्रालय ने इस चित्र की सुरक्षा के लिए बाकायदा सिपाही लगाए थे। यानी ये विवादास्पद था, इतना विवादास्पद था कि कला मंत्रालय ने इसको सुरक्षा करने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए जनता से, तो उन्होंने बाकायदा पुलिस तक लगाई थी, सिपाही तक लगाए थे। ओलंपिया चित्र जो है, ध्यान देना, ओलंपिया चित्र में ऐसा क्या था जो इसका जो है इतना विवादास्पद था? लेकिन फिर भी पहले तो ये जान लें कि ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ये स्वीकृत हुआ था। और इसमें क्या दिखाया है? इसमें एक महिला को, मैं लिखूंगा नहीं, खाली बोलूंगा, एक महिला को पलंग पर विवस्त्र रूप में, मतलब बिल्कुल नग्न विवस्त्र रूप में उसको लेटे हुए दिखाया गया है, मुस्कुरा रही है, उसके बगल में एक दासी खड़ी गई है। इस महिला की पहचान जो एक वैश्या के रूप में की गई है, लेकिन कलाकारों ने इसकी वैश्या के रूप में पहचान नहीं की, बल्कि कलाकारों ने इसकी पहचान वेनिस की देवी के रूप में इसकी की है। तो यानी इस महिला की जो तुलना है ओलंपिया की देवी से, क्या कहते हैं? इसे ओलंपिया की देवी कहा गया है, लेकिन कलाकारों ने इसकी पहचान जो की है किससे की गई, इसकी तुलना जो की गई है किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है वेनिस के, ध्यान देना, सौंदर्य कला देवी से। किसकी? सौंदर्य, वेनिस की देवी, वेनिस के सौंदर्य कला देवी से इसकी तुलना की गई है। लेकिन ये चित्र किससे प्रेरित था, किसको देख करके इन्होंने चित्र बनाया था? तो ये इन्होंने टीशियन का चित्र था, जिसका नाम था उर्बिनो की वीनस। क्या नाम था उस चित्र का? नाम था उर्बिनो की वीनस। किसका चित्र था? टीशियन का चित्र, और उस चित्र का नाम था उर्बिनो की वीनस। मैंने शब्द यूज किया है वीनस, उर्बिनो की वीनस, ध्यान रखना, उर्बिनो की वीनस से प्रेरित होकर के ये चित्र माने ने बनाया था, जिसको हम ओलंपिया के नाम से जानते हैं। ये चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने फिर इसके बाद 1865 का है, उसके बाद इन्होंने 1866 में एक चित्र बनाया बांसुरी वाला, ध्यान देना, 1866 में इन्होंने बांसुरी वाला, याद कर लीजिएगा, 1866 में
इन्होंने बांसुरी वाला चित्र बनाया और चित्र बनाया और ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ये भी स्वीकृत नहीं, मैंने क्रॉस कहते हैं इसका मतलब राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने 1868 में इन्होंने कुछ चित्र बनाए, जैसे इन्होंने बनाए एमिल जोला का व्यक्ति चित्र, किसका, एमिल जोला का व्यक्ति चित्र ये इन्होंने बनाया, ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने एक और चित्र बनाया था एमिल जोला का व्यक्ति चित्र, और एक इन्होंने चित्र बनाया था उस चित्र का नाम था एमिल जोला का व्यक्ति चित्र, और दूसरा बनाया था तोते वाली स्त्री, कौन सा चित्र है, तोते वाली स्त्री का व्यक्ति चित्र, का व्यक्ति चित्र। ये दोनों चित्र जो 1868 बनाए थे ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ये स्वीकृत हुए थे, ठीक है। एमिल जोला जो था ये माने का प्रशंसक था, ये माने का प्रशंसक था, प्रशंसक शक प्रशं प्रशंसक था। इसने माने पर एक पुस्तक लिखी थी एमिल जोला ने, एमिल जोला ने माने पर एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था माने की जीवनी, एक पुस्तक लिखी थी इसने, एमिल जोला ने एक पुस्तक लिखी थी माने पर, और उस पुस्तक का नाम था लिखी और उस पुस्तक का नाम था माने की जीवनी, माने की जीवनी ये पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, एमिल जोला जो इनका प्रशंसक था उसने ये पुस्तक लिखी थी माने की जीवनी। आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद माने के दो चित्रों में जापानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, किसमें, एक तो दिखता है हमको ओलंपिया में, एक तो इन्होंने ओलंपिया में जापानी कला का प्रभाव इसमें है, दूसरा है आपका एमिल जोला, एमिल जोला का व्यक्ति चित्र। ये इन्होंने जो जापानी कला जो सीखी थी माने ने, हिरोशिगे जापानी कलाकार जिनका नाम था हिरोशिगे, और एक और नाम था जापानी कलाकार जिन्होंने सीखा था, एक का नाम था होक्साई दूसरा नाम था हिरोशिगे, इन दोनों कलाकारों से इन्होंने माने ने जापानी कला सीखी थी, और इन जापानी कला का प्रभाव हमें ओलंपिया और एमिल जोला नामक हमें चित्र में देखने को मिलता है। 1868 के बाद माने के चित्र अस्वीकृत होते गए, 1868 के बाद माने के लगातार चित्र अस्वीकृत हुए, माने के हुए, सिसली के हुए, लोत्रेक के हुए, ठीक है, फ्रांतेल जो है लोत्रेक के हुए, इसी तरह फ्रांतेल लातूर के हुए, लगातार सबके चित्र जो है कई लोग के चित्र अस्वीकृत हुए। तो जितने भी अस्वीकृत कलाकार थे, ध्यान देना, ठीक है, जितने भी अस्वीकृत कलाकार थे वो सभी जो हैं पेरिस के मुलेरुज, क्या कहेंगे, पेरिस के मुलेरुज, मुलेरुज कहते हैं मदिरालय, मदिरालय इसको कहते हैं मदिरालय, या कह लें पेरिस के काफे गोबरबा, काफे गोबरबा, काफे गोबरबा में सभी अस्वीकृत कलाकार एकत्र होते थे, एक सभी अस्वीकृत कलाकार एकत्र होते थे। तो सभी अस्वीकृत कलाकारों की संगोष्ठी का व्यक्ति चित्र, क्या कहेंगे हम, सभी अस्वीकृत कलाकारों की संगोष्ठी का व्यक्ति चित्र 1870 में, ध्यान देना 1870 में अस्वीकृत कलाकारों की संगोष्ठी का व्यक्ति चित्र फ्रांतेर सही है, फ्रांतेर लातूर ने बनाया था।
याद कर लीजिएगा, किसने बनाया था? फ्रांतेर लातुर ने अस्वीकृत कलाकारों की संगोष्ठी वाला चित्र, कौन सा संगोष्ठी वाला चित्र बनाया था? ध्यान रखिएगा, कौन सा चित्र? संगोष्ठी वाला चित्र बनाया था। तो इस तरह से अस्वीकृत कलाकार सभी उपस्थित रहते थे, मुलेरु या काफे गोब्रमा उपस्थित होते थे और वहां पर विचार विमर्श करते थे। आगे इन्होंने फिर एक चित्र और बनाया 1873 में, ठीक है, 1872 का चित्र था, 1873 में इन्होंने चित्र बनाया अच्छी बियर, ठीक है, 1873 में माने निश्चित बनाया अच्छी बियर, ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ 73 के बाद, यानी 68 के बाद, 78 के बाद, 68 के बाद, सॉरी 1873 में अच्छी बियर, ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चित्र इनका स्वीकृत हुआ। इसी तरह से इन्होंने और भी चित्र बनाए। ऐसे में 1874 में सेन नदी के किनारे इन्होंने देखा कि सेन नदी किनारे जो मोने हैं वो प्रभावादी चित्र बना रहे हैं। तो सेन नदी पे मोने से प्रभावित होकर के इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया 1874 में। 1874 में माने ने जो एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया, उस चित्र का नाम था नाव की सवारी। कौन सा था? नाव की सवारी। 1800 ये इनका माने का प्रथम प्रभाववादी, माने का प्रथम प्रभाववादी चित्र है। कौन सा? नाव की सवारी। तो माने ने पहला प्रभाववादी चित्र बनाया था 1874 में, इन्होंने नाव की सवारी वाला चित्र बनाया था। इसी तरह से 1877 में माने ने 1877 में एक चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम था नाना। 1877 में एक चित्र बनाया था नाना। नाना चित्र में क्या दिखाया कि एक महिला एकांत में विवश अवस्था में बैठी और अपनी नाक पर पाउडर लगा रही है। ये चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ था, ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। इसी तरीके से इन्होंने 1879 में बनाया था, 1879 में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र बनाया था और उस चित्र का जो नाम था, उस चित्र का नाम था जार्ज मूर का व्यक्ति चित्र। क्या नाम था? जार्ज मूर का व्यक्ति चित्र, ये भी स्वीकृत हुआ। और इनका अंतिम चित्र 1800 का, भाई इनका अंतिम चित्र 1882 में, 1882 में इनका अंतिम चित्र है, अंतिम चित्र, उसका नाम है फोली बारजे की मदिरालय। फोली बारजे, क्या नाम है? फोली बारजेर, बारजेर की मदिरालय, ये इनका अंतिम चित्र था। तो और इस तरह से 1863 के बाद जो इनके चित्र लगातार स्वीकृत होते चले गए, एक फेमस चित्रकार के रूप में धीरे धीरे ये फेमस हुए, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने लगातार बहुत सारे चित्र बनाए। बाद में इनकी 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद 1883 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसकी मृत्यु के 7 साल बाद, मृत्यु के 7 वर्ष बाद, मृत्यु के 7 वर्ष बाद माने के जो प्रशंसक थे, समर्थक थे, उन लोगों ने ओलंपिया चित्र, ओलंपिया, ध्यान देना, कौन सा चित्र? ओलंपिया चित्र खरीद कर लूब्र संग्रहालय को, लूब्र संग्रहालय को दान कर दिया था। ध्यान रखना, इनके प्रशंसकों ने कौन सा चित्र? ओलंपिया वाला चित्र, चंदा एकत्र करके ओलंपिया वाला चित्र जो है ये क्या कर दिया था? लूब्र संग्रहालय को सुरक्षित कर दिया था।
ठीक है, देकर को सुरक्षित कर दिया। इस तरह इन्होंने बहुत सारे और भी चित्र बनाए, जैसे द प्लम, द फीफर, द रेलवे, द रेलवे, द लॉन्ग चैम्प रेस, द लॉन्ग चैम्प रेस, और जेलखाना, और इन्होंने जो है बहुत सारे चित्र बनाए हैं, द रीडिंग, आत्महत्या, आत्महत्या, बालकनी, ठीक है, स्टूडियो पर भोजन, स्टूडियो पर भोजन, द फीफर, जेलखाना, द प्लम, द रेलवे, द रेस एट लॉन्ग चैम्प, बूढ़ा संगीतकार, एक बालक तलवार लिए हुए, ये सभी इनके चित्र हैं। मेरी आवाज़ सुन करके इसको आप नोट कर लीजिएगा एक एक करके आराम से, ठीक है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चित्र है, इसका नोट्स बना लीजिए दोस्तों, आप लोग जो मुझसे जुड़े नहीं हैं, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं वो तो लगभग सब बना ही चुके हैं, क्योंकि वो क्लास मेरी लगातार जुड़े हुए हैं। जो नए लोग मुझसे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तुरंत फ़ोन उठाएं, तुरंत मिलाएं, समय में देरी मत करें, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम का मौका मिला है, फिर अगला एग्ज़ाम कब हो इसका कोई संभावना नहीं है। कब होगा इसमें ज्वाइन, लोग जो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कि टेट लागू होगा कि नहीं लागू होगा, बहुत सारी इसमें शंकाएं बैठी हुई। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग को जो पढ़ाऊं उससे अधिक से अधिक क्वेश्चन फंस जाऊँ, पढ़ा भी रहें कि उम्मीद है कि फंसेंगे भी। वेस्टर्न आपने मेरा देखा ही है, मैंने टेक्निकल भी डाले हैं, मैंने इंडियन भी डाला है, जो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जा करके मेरे वीडियो देख सकते हैं, जो नया देख रहा है ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, देरी मत करें, सब्सक्राइब करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो नहीं भी जानता वो भी जान जाएगा, जो पुराने हैं, और सबसे मैं कह रहा हूँ जो पुराने जितने लोग हैं वो ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक वाले बटन को ज़रूर दबाएं, दबाने के साथ साथ इसको शेयर भी करें, और बाकी जल्दी जल्दी हम आपको कुछ नई नई चीज़ें भेजते रहेंगे। फिलहाल समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना मिलता है मैं आपको कुछ नई चीज़ लाकर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।